सीमेंट की कंपनी बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प भी मैं बहुत बार रेकमेंड कर चुका हूं, आज फिर से लेके आया हूं विद अ बिगर अपसाइड। 1758 1758 का टारगेट रहेगा, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी 115% से बड़ी है पिछले क्वार्टर में, 38% का वॉल्यूम ग्रोथ वाईओवाई ईयर ऑन ईयर दिखा गया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है कंपनी, डिमांड की अपस्विंग होगी, दिसंबर क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा, वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9% का आने वाले 2 सालों के लिए। तो ये लेखा जोखा बिरला कॉर्प 1758 का टारगेट। फिलिप्स कार्बन, ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले दिनों में एक ब्रेकआउट डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला डेली सेटअप के हिसाब से, और वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक नेरो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें लगता है 255 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 255 से 250 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे, करंट लेवल से 245 ये स्टॉप लॉस होंगे। पोजिशनल टारगेट हमें लगता है स्टॉक में जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए इसमें 305 रुपए तक के। तो फिलिप्स कार्बन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी,